एक्सिस है जी, कौन सा आप जो ऊपर से आ गए भाई हम डेविस फॉल पे। रॉबिन भाई हमारा वेलकम करते हैं। की बेस्ट प्लेसेस हैं पताले छांगो जगह। क्या अच्छा पताले छांगो, इसका मतलब है डेविस फॉल्स। ये एंट्री के बाद है मार्केट है ना, पहले एंट्री पे मार्केट और फिर उसके बाद चार्जेट। अच्छा दुकान यहाँ सारी ऐसी हैं जैसे हमारे यहाँ दिल्ली हाट में है ना सारी, हाँ इस टाइप की शॉप है सारी। आ गए भाई हम, वेलकम टू डेवी स्पॉट। आप हम यहाँ से टिकट लेंगे, टिकट ले लो फिर हम अंदर चलते हैं। कितने की टिकट है? 100 रुपये। 100 रुपये नेपाल, नेपाल और इंडिया 80 रुपये। 80 रुपये टिकट है। चलो भाई हेलो भाई, आओ ना भाई। फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली इंडिया। एम्स्टर्डम हॉलैंड, सॉरी एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स। ओके थैंक यू। ये लंदन से थे डेविस फॉल में आपका स्वागत है। एंजॉय कीजिए हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे ये टॉयलेट लगा हुआ है वो, यहाँ वाईफाई का भी सिस्टम है। देवी चुपी कर जाए, इनका मन देवी फॉल। हाँ देवी चुपी कर, इन्वेस्टमेंट कर रखी है भाई। टिकट क्यों ले रहा फिर हम कमाए तो मैं पीछे हट जाऊं। इन चीजें ने थोड़ी बताऊं मैं ऐसे में फिर पीछे हट जाऊं। जब तक हट गया है देवी, गलत बात है। चुपचाप पीछे खड़े होगा, कभी मेरे नाम से टिकट कम हो जाएगी है ना। कोई ना भाई कोई ना। आ गया आपका फॉल, कैसा है? कितने में खरीदा आप? थोड़ा नीचे ये क्या कर रहे हैं? हवा घर ये क्या हो रहा भाई? ये भाई मान्यता है क्या बाबा के यहाँ पे? कहते हैं इसमें कॉइन डाल के अपनी कोई भी विश हो वो मांग लो, विश मांगने से जो भी विश होती है वो। छोटे छोटे कॉइन बना रखे हैं बाबा के। जय गणेश जी महाराज, जय भोले बाबा, ये रास्ता है गाइस। यहाँ से भाई आप देख ऊपर से डेविस फॉल है, 600 फुट नीचे जा रहा है। इसके बाद ये कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। रोड है डेविस फॉल, आप घूम देख सकते हैं आराम से। टूरिस्ट स्पॉट है नेपाल में, पोखरा में हम घूम रहे हैं डेविस फॉल में। बहुत अच्छा व्यू है, आगे भी जाकर इसमें भाई ये इतना गहरा है कि किसी को कुछ नहीं पता ये पानी कहाँ जा रहा है। ये देखो बहुत गहरा, बहुत गहरा भाई। ये देवी फॉल था, बहुत गहरा है, यूँ ही ना पता कि कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। पर एक इसकी मान्यता और है, और एक बताते हैं कि जो इसका फॉल है ना, एक इसी के अपोजिट सामने एक भोले बाबा का मंदिर है,
और इसकी एक फॉल वहाँ पे जा रही है भोले बाबा के मंदिर पे। मंदिर के दर्शन कर लिए और मार्केट में ऐप कर रही है। पापा सेंगो नाम होते कहते भी भाई सर, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी भाई ना। अब हमें महादेव के मंदिर जाना है जो इसी के अपोजिट सामने वाले में गुफा है, गुफा भाई वहाँ जा सकते हैं। उसमें गुफा है, उसमें पैरों जाना पड़ेगा, उसमें पैरों सीढ़ी है। देखा हमने भी नहीं है, सुना है। जाते हैं, देखते हैं, मिलते हैं फिर वही गुफा में। और महादेव गुफा प्रवेश द्वार, यहाँ से एंट्री है भोले बाबा के। एक गुफा है यहाँ पे, अब हम आपको यहाँ अंदर ले जाएंगे गुफा में। ये बिल्कुल देवी वाटरफॉल के अपोजिट सामने है, ठीक है। गुप्तेश्वर महाराज भोले बाबा की गुफा है, यहाँ अंदर जा रहे हैं अब हम। गुप्तेश्वर महादेव केव की तरफ जा रहे हैं। हमने अपना सफर यहाँ से शुरू किया था। आप देख सकते हैं मोई मोई चश्मे भी मिल रहे हैं, जो बहुत फेमस है नीम आज के दिन पे। आपने सुना होगा मोई 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 फेमस हुआ मोए मोए। गुफा जाने का बाटो, तो इसका मतलब है गुफा जाने का गेट। गुफा में जाने हमें लगता है बाटो का मतलब गेट। हमारे लैंग्वेज होता है बाटो का मतलब बाटलो, बाट दो। शेयरिंग इज केयरिंग, या आप इधर देख सकते हैं शेषनाग बने हुए हैं। बहुत अच्छा डिजाइन से इन्होंने गोल गोल सीढ़ियाँ बनाई हुई है। वे टू के लिखा हुआ है, गुफा जाने बाटो, गुफा जाने का रास्ता आ गया भाई। ये वो तो बहुत नीचे है ना। यहाँ से गुफा की एंट्रेंस है, गुफा का रास्ता शुरू होता है अंदर। ये पूरा देखो भाई, ये टिकट काउंटर है। अब यहाँ से टिकट लेंगे और गुफा में अंदर की ओर जाएंगे। बाहर में मिलेगा, अंदर मंदिर में नहीं। ठीक है, तो भाई हमने वहाँ से एंट्री कर लिया, हमारी टिकट की एंट्री हो गई है नेपाली 100 रुपये की। अभी इन्होंने बताया केव के अंदर जा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। मंदिर के नीचे यहाँ भाई मिल गया मोए मोए, झरना देखा था ना झरना, उस उसका एक फॉल यहाँ पे भी आ रहा है। नहीं, इस इधर से उस झरने के पास जाओगे तुम नीचे नीचे, हाँ कनेक्टिविटी, और तुम्हें वहाँ से दिखेगी कि भाई एक दरार टाइप की यहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से नीचे गुफा में जाते। पर जो हमने वहाँ पूछा था ना, वो पता क्या आया, वहाँ से वो जो फॉल आ रहा है वो नीचे भोले बाबा का वो है, तो वो उनके वहाँ पे आ रहा है, उनके शिवलिंग के ऊपर, हाँ वो फॉल आ रहा है। पर वो जो गुफा का थ्रू जो रास्ता है ना, वो उस तरफ भी निकल रहा है वहाँ, तो गुफा के थ्रू ही जाओगे। बोल बम बोल बम। ये मंदिर की गुफा है भाई, शंकर महाराज की जय। चलते रहे, रुको मत। ये गुफा है भाई, गुफा है भाई, पूरा अंधेरा हो रखा है। ये गुफा अंदर पता नहीं इस तरफ जा रही है। यस, अब यहीं से वापसी है भाई। सोनू अंकल ये लाइट पॉइंट पे आ गए हैं,
ये कम से कम भी 10-15 मंजिल नीचे है, यहाँ थोड़ा सा घबराहट हो रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है, पर अच्छा बहुत लग रहा है। अच्छा बात, नीचे चलते हैं। एक नई चीज़ हमें देखने को मिली। हेलो हेलो भाई, गॉड इज ग्रेट, वो फॉल है भाई जो गिर रहा है, वो देखो भाई यहाँ का ना पानी का ना पता ना हो पानी जा कहाँ रहा है, गिरता रहा नीचे तो पानी का नहीं पता कहाँ जा रहा है। ये सिर्फ एक ही पता है, भोले बाबा है। हाँ नहीं पता है बस कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। भाई बड़ी अद्भुत है, अगर यहाँ आओ तो इस गुफा में जरूर आना। ठंडी हो रही गुफा, पानी बहुत है गुफा में, और ये देखो जो फॉल था ना बहुत ज़बरदस्त था पानी का। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये भोले बाबा का मंदिर है, ऑक्सीजन का नजर आ रहा हूँ। ये जो गुफा है ना यहाँ बीच में तो लेंटर डाल रखे हैं, वहां छोड़ दो सब कुदरती चीज़ आ जाओ यार। भाई गुफा है, थोड़ी सांस फूल रही है, ऑक्सीजन की कमी है शायद इस वजह से। कंफर्म है ना, हाँ कि सांस फूल रही है। ये देखो अंदर भाई ऑक्सीजन की कमी थी बहुत ज़्यादा, सांस फूल रही है सबकी। हाँ मसाज करा लेंगे, देखो सबकी सांस फूल रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई ये भोले बाबा का द्वार था जहाँ मैंने अभी आपको दर्शन कराए बाबा के, यहाँ से एग्जिट हुए हैं और इनके एग्जिट पे ये विष्णु भगवान विराजमान है। जय हो बाबा, हो गया हो मस्त हम लोग भाई दर्शन सारे बाबा के। जय हो मेरे पालन हार, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखो पर मजा आया भाई भोले बाबा के दर्शन करके। नीचे गुफा में ऑक्सीजन की कमी थी, सांस नहीं ले जा रही थी बिल्कुल भी, सभी लोग अब बाहर आके लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले रहे हैं मेरी तरह, पर बाहर मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है। सेल्फी ले रहे हैं सुमन भाई, मशीन बनाए पड़े बहुत रिस्की था, बाबा के दर्शन के लिए रिक्शी बता रहे हैं। अरे जिनने सांस दिए वो सांस कैसे ले लेगा यार, वो कह रहा है जोर जोर से लो और ज़्यादा लो, काहे घबरा रहे हो बाबू जब बाबा है तो। ये रुद्राक्ष का पेड़ है भाई, और इसी के नीचे विराजमान है विष्णु भगवान। ये देखो जय विष्णु भगवान, और ये
गुफा जो है भोले बाबा के द्वार के लिए जा रही है नीचे, जहाँ अभी हम निकल के आए हैं अभी यहाँ से। तो भाई मंदिर के तो हो गए दर्शन, अब हम बाहर जा रहे हैं गाड़ी में पार्किंग की तरफ बाबा को दर्शन करके। हम मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे।